प्रिय शिक्षकों और साथियों, YouTube चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एनएस की तरफ से एक अपडेट दिया गया है जिसमें सभी शिक्षकों को थर्ड सेमिस्टर या थर्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है एनएस की तरफ से, जिस परीक्षा को कंडक्ट किया जा रहा है तीसरी परीक्षा, उसके बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा या आपका जो परीक्षा होने वाला है उस परीक्षा की तारीख चेंज हो गया या नहीं, उस बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरे पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। तो यहाँ पे जो नोटिस निकल कर आया है, हम उसी नोटिस को देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, और साथ में आने वाली जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस निकल कर आया है जिसमें आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि विषय डीएलएड तृतीय सत्र की परीक्षा दिनांक 20 से 21 दिसंबर के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिस या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत डीएलएड तृतीय सत्र की परीक्षा विषय कोड 506507 दिनांक 20 से 21 दिसंबर 2018 को निर्धारित है। इस संबंध में पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना चाहेंगे। आगे चलकर आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न पत्र अभिरक्षक को सूचना जा रही है कि जिससे अपने आप अपने स्तर से सहयोग कर संवाद स्थापित करने का स्पष्ट करेंगे। इस संबंध में केंद्राधीक्षक एवं प्रश्न पत्र अभिरक्षक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है या आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि आपका जो परीक्षा है वो परीक्षा की तारीख, यहाँ पे जो तारीख है 20 और 21 तारीख को होगा, उसका डेट यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कभी चेंज नहीं किया जाएगा। आपने जिस परीक्षा में या परीक्षा सेंटर, जिस एग्ज़ाम सेंटर में आपने परीक्षा दिया है उसी सेंटर में आपको परीक्षा देना होगा। उसमें आपको कोई चेंज नहीं किया जाएगा कि आपको दूसरे परीक्षा के सेंटर में या परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा देना पड़ेगा। तो ये अपडेट, छोटा सा अपडेट मिला था, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आगे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको देंगे, और आपको तो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का सारी जानकारी मिल रहा है, तो हमारे चैनल से आपको रेलवे ग्रुप डी का या सारे जो रिक्रूटमेंट वाले जो खबर है आप हमारे चैनल से जो ले सकते हैं। और अगर आपने आपके किसी साथी को ये इन्फॉर्मेशन देना है तो वो यहाँ हमारे चैनल को भी